पति ने मेरा गलत में मेरी बहुत पालना की, बहुत सहयोग किया, इसके साथ मेरा बहुत कार्य करता है, इसीलिए मुझे वहां रखा है, मैं हूं सेवा के अंदर पर, ये भी मेरी सेवा है। पापा कहते बच्चे तुमने इसने तुमको बहुत मदद किया, तुम उसकी खूब सेवा कर दिया, ये बच्चे मेरा बच्चे ये मेरे नहीं है, पति मेरा नहीं है, मैं यहाँ सेवा करने, वो पिछले जन्म का मेरा हिसाब था इसलिए मैं यहाँ हूँ। अगर पापा को कंप्लेन भी करना है तो क्या करो, पापा मेरे पास आपने एक जो बच्चा भेजा है ना बड़ा तंग करता, देख लेना पापा मदद करेगा। हम क्या बोलते हैं, बाबा मेरा बच्चा मुझे तंग करता है ना, लेकिन तुम्हारा तुम ही देख लेना, मेरा नहीं अभी, मेरा कुछ नहीं, मेरा है शिव बाबा। खेती ना खेती मेरी ना दुकान मेरा, ये सब सेवा होता है, मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर को भी ला रहे तो बाबा को, बाबा इस शरीर के लिए आम खरीद कर रहे, ले लो पूछ लो, मेरे शरीर के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं ले रहे, ये सब कुछ सेवा, इसीलिए बाबा कहते हैं इतना ट्रस्टी होकर के रहो, हल्का हल्के रहेंगे। दादी प्रकाश मुनि का चेहरा बड़ा खुश है, एक चित्र है बड़ा देखना कभी, छोटा सा चित्र है, पूरा 32 दांत दिखाई पड़ते हैं उसमें, इतनी खुश रहती। तो मीडिया वालों ने एक बार पूछा, दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था की प्रशासिका है तो इतनी खुश क्यों रहती, तो दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ, बाबा को कहती हूँ बाबा ये सारी बहने दे रही, ये सारे झोल दे रहे, सारे शंकर दे रहे, मधुवन शांतिवन ज्ञान सर्व सब तेरा, मैं खुद भी दे रही, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, सारा सब बाबा को देने सो जाने, दूसरा क्यों डांस करके सो जाते, इसीलिए हमें भी क्या करना है, रात को सोते समय बाबा ये खेती तेरी, दुकान तेरा, पति तेरा, बच्चे तेरे, ये सब मैं खुद भी दे रही, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, बस सारे बोझ बाबा को, बोझ लेके चलता है। अब किसी के सिर पर बहुत बड़ी गठड़ी है, उसका सिर कैसा होगा, नीचे होगा, इसी तरह कई योग करते करते नींद करते हैं, इसका मतलब बोझ है उसके सिर पर, इसीलिए बोझ क्या करो, पापा को